प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका करियर प्लानेट की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों टैली प्राइम कोर्स की इस श्रृंखला में आज की क्लास में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, वाउचर एंट्री इन टैली। जी हाँ दोस्तों, अभी तक हमने टैली प्राइम के इस कोर्स में सबसे पहले कंपनी क्रिएट करना सीखा, उसके बाद लेजर्स क्रिएट करना सीखा, अकाउंटिंग रूल्स को जाना, जनरल एंट्रीज़ को हमने सीखा और लेजर के लिए आवश्यक ग्रुप्स के बारे में भी हमने डिटेल में डिस्कस किया। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम वाउचर एंट्रीज़ को डिस्कस करेंगे। वाउचर एंट्रीज़ क्या होती हैं, किस तरह से हमें इन्हें यूज़ करना है, बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आपसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि वाउचर आखिर होता क्या है। व्हाट इज वाउचर? अ वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट दैट कंटेन डिटेल्स ऑफ अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इज रिक्वायर्ड फॉर रिकॉर्डिंग द सेम इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। दोस्तों वाउचर वास्तव में एक तरह का इनवॉइस, बिल, रिसिप्ट, सैलरी स्टेटमेंट, वेजेस शीट, कुछ भी हो सकता है। ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको देखकर हम अपनी बुक्स में ट्रांजैक्शन को पोस्ट करते हैं, या सरल शब्दों में आप कह सकते हैं वाउचर एक प्रकार का प्रूफ होता है जो हमारी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन की एक्यूरेसी को सुनिश्चित करता है। अब अलग अलग ट्रांजैक्शन के लिए हमें अलग अलग वाउचर्स का प्रयोग करना होता है और इसी को वाउचर एंट्री कहते हैं। फॉर एवरी ट्रांजैक्शन वी कैन यूज द एप्रोप्रिएट टैली वाउचर टू एंटर द डिटेल्स इनटू द लेजर्स एंड अपडेट द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द कंपनी। जब भी हम अपनी कंपनी, अपनी फॉर्म, अपने बिजनेस के लिए अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी कंपनी के नेचर को समझना होता है। यदि हमारी कंपनी केवल सर्विसेज का काम करती है, इट मीन्स सर्विस हम परचेज करते हैं और सर्विसेज को ही सेल आउट करते हैं, तो हमें टैली में दिए गए अकाउंट्स ओनली ऑप्शन का यूज़ करते हुए एंट्रीज को पोस्ट करना होता है। और इसके लिए जिन वाउचर्स का हम यूज़ करते हैं उन्हें अकाउंटिंग वाउचर कहते हैं। इसी तरह से यदि हमारी कंपनी इन्वेंट्री मैनेज करती है, इट मीन्स हम गुड्स को परचेस करते हैं और गुड्स को सेल आउट करते हैं, तो अकाउंट्स के साथ साथ हमें इन्वेंट्री या स्टॉक को भी मेंटेन करना होता है और इसके लिए जिन वाउचर्स का यूज़ होता है उन्हें इन्वेंट्री वाउचर्स कहते हैं। और यदि आप अपनी कंपनी के लिए सैलरी स्टेटमेंट तैयार करना चाहते हैं तो इसके लिए टैली में विशेष रूप से पैरोल वाउचर्स दिए गए हैं। तो आज की इस क्लास में हम सबसे पहले अकाउंटिंग वाउचर्स को सीखने वाले हैं। टैली में कौन कौन से अकाउंटिंग वाउचर्स हैं और किस अकाउंटिंग वाउचर में हमें कौन सी एंट्री पोस्ट करनी होगी। फर्स्ट वाउचर होता है कॉन्ट्रा वाउचर। जैसा कि इसका नाम है कॉन्ट्रा, एज पर द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अ कॉन्ट्रा एंट्री इज अ ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग ट्रांसफर ऑफ कैश बिटवीन वन कैश अकाउंट टू अनदर कैश अकाउंट और वन कैश अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट। यानी ऐसी सभी एंट्रीज जिनमें हम कैश और बैंक अकाउंट का यूज़ करते हैं उन सभी एंट्रीज को कॉन्ट्रा एंट्रीज कहा जाता है और केवल कॉन्ट्रा एंट्रीज ही कॉन्ट्रा वाउचर में पोस्ट करनी होती है। जैसे कैश डिपॉजिट इन बैंक, बैंक में नगद रुपए जमा कराने पर, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से नगद रुपए निकालने पर, ट्रांसफर अमाउंट फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट, एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में अमाउंट या पैसा ट्रांसफर करने पर, और ट्रांसफर फंड्स फ्रॉम वन कैश अकाउंट टू अनदर कैश अकाउंट। जैसे कई बार हमें पेटी एक्सपेंसेस के लिए अपने कैश अकाउंट में से पेटी कैश अकाउंट में अमाउंट को ट्रांसफ़र करना होता है और यहाँ पर कैश अकाउंट का ग्रुप कैश इन हैंड होता है और साथ ही साथ जो पेटी एक्सपेंसेस या पेटी कैश अकाउंट होता है उसका ग्रुप भी कैश इन हैंड ही होता है। इसलिए ऐसी सभी एंट्रीज जिनमें हम कैश अकाउंट से अपने पेटी कैश अकाउंट में अमाउंट को ट्रांसफ़र करते हैं वो एंट्रीज भी कॉन्ट्रा वाउचर में ही जाती है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, इन चार एंट्रीज के अलावा कोई भी एंट्री आपको कॉन्ट्रा वाउचर में पोस्ट नहीं करनी है। और विशेष रूप से आप एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा कि बैंक से संबंधित सभी एंट्रीज कॉन्ट्रा वाउचर में होंगी लेकिन चेक से रिलेटेड एंट्रीज कॉन्ट्रा वाउचर में पोस्ट नहीं की जाती। चेक रिलेटेड एंट्रीज आर नॉट पोस्टेड इन कॉन्ट्रा वाउचर। दोस्तों टैली में इन वाउचर्स को यूज़ करने के लिए कुछ शॉर्टकट कीज़ भी होती हैं और कॉन्ट्रा वाउचर के लिए शॉर्टकट की होती है F4। आइए प्रैक्टिकली हम कॉन्ट्रा वाउचर को यूज़ करके देखते हैं कि उसमें हमें एंट्रीज को किस तरह से पोस्ट करना है। दोस्तों वाउचर एंट्रीज के लिए हमें टैली प्राइम में गेटवे ऑफ टैली में ट्रांजैक्शंस सेक्शन में वाउचर ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको राइट हैंड साइड पर बहुत सारे बटन्स दिखाई दे रहे हैं। इन बटन्स में अलग अलग वाउचर्स के लिए अलग अलग शॉर्टकट कीज़ और उनके नाम आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। जिस भी वाउचर को हम एक्सेस करना चाहते हैं उसके लिए हमें उस वाउचर का बटन प्रेस करना है या फिर कीबोर्ड से उस वाउचर की शॉर्टकट की को हमें यहाँ पर प्रेस करना होता है। वाउचर एंट्री शुरू करने से पहले हम सबसे पहले डेट ऑप्शन को जान लेते हैं। जब भी हम किसी ट्रांजैक्शन को अपनी बुक्स में पोस्ट करते हैं तो उसकी डेट हमें इनपुट करनी होती है। अभी आप यहाँ देख पा रहे होंगे डेट 1 अप्रैल 2020 आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यदि हम इस डेट को चेंज करना चाहते हैं उसके लिए हमें डेट बटन का यूज़ करना होता है जिसका शॉर्टकट होता है F2। जैसे ही आप F2 प्रेस करते हैं टैली आपसे वाउचर की डेट के लिए पूछता है। यहाँ आप जो भी डेट इनपुट करना चाहते हैं वो डेट इनपुट कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम जब आप F2 प्रेस करेंगे तो 1 अप्रैल के बाद आपको 2 अप्रैल दिखाई देगा। फिर से यदि आप F2 प्रेस करेंगे तो 3 अप्रैल, फिर से F2, 4 अप्रैल। इट मीन्स जब हम F2 की प्रेस करते हैं तो एक डेट आपको आगे की दिखाई देती है। लेकिन यदि आप 10 अप्रैल की एंट्री करना चाहते हैं तो यहाँ आपको केवल 10 लिखना है और एंटर कर देना है। तो आप डेट देख पा रहे होंगे यहाँ 10 अप्रैल हो चुका है। लेकिन यदि आप 10 मई की एंट्री करना चाहते हैं तो आपको F2 प्रेस करना है और मंथ भी आपको इनपुट करना है 10 मई। ईयर कभी आपको इनपुट करने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर जब हम कंपनी क्रिएट करते हैं तो हमने फाइनेंशियल ईयर सेट कर दिया है और फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग वो ईयर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। सपोज आप 10 जनवरी की एंट्री करना चाहते हैं तो 10/1 हमने यहाँ पर टाइप किया और एंटर किया तो देखिए ऑटोमेटिकली 10 जनवरी 2021 यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन यदि आपके पास एजुकेशनल वर्जन है तो एजुकेशन वर्जन में डेट चेंज नहीं होती है। हर महीने के लिए 1st, 2nd और जिस मंथ में 31st आ रहा होगा ये 3 डेट ही इनपुट कर पाएंगे। अब हमारा पहला वाउचर आता है कॉन्ट्रा वाउचर जिसका शॉर्टकट है F4। जैसे ही आप F4 की प्रेस करेंगे ऊपर आपको स्क्रीन पर कॉन्ट्रा दिखाई देगा और यहाँ पर लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स आपको डिस्प्ले होने लगेंगे। ये वो सभी लेजर्स हैं जो हम पहले से क्रिएट कर चुके हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कैश डिपॉजिट इन बैंक में नगद रुपए जमा कराने पर। अब जैसे ही हम इस ट्रांजैक्शन को देखते हैं और इसकी एंट्री के बारे में सोचते हैं तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट DR टू कैश और आप स्क्रीन पर देखेंगे कॉन्ट्रा वाउचर में तो टैली ने यहाँ पर क्रेडिट के साइड के बारे में पहले पूछा है जबकि हम एंट्री बोलते समय डेबिट साइड को पहले बोलते हैं बैंक अकाउंट DR टू कैश। तो अब आपको ध्यान रखना है टैली में जब आप एंट्री पोस्ट करें और टैली क्रेडिट साइड के अकाउंट को पहले पूछ रहा है तो आप इस एंट्री में क्रेडिट साइड में जो भी अकाउंट आ रहा है उसे पहले टाइप कीजिए। जैसे बैंक अकाउंट DR टू कैश तो इस एंट्री में CR साइड में कैश आ रहा है इसलिए हम CR में कैश को यूज़ करने वाले हैं और उसके लिए आप C प्रेस कीजिएगा। कैश यहाँ पर सेलेक्ट हो जाता है, आपको टाइप करने की आवश्यकता नहीं है। आप एंटर प्रेस करेंगे तो वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। देन अमाउंट जितना भी आप कैश डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में वो टाइप कर लीजिएगा। देन जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको DR दिखाई देगा। अब हमें DR के आगे टाइप करना है इसलिए एक बार और एंटर प्रेस करना है और डेबिट हम करेंगे बैंक अकाउंट को। इस तरह से हमारी एक छोटी सी एंट्री बन गई है बैंक अकाउंट DR टू कैश। लेकिन जैसे हम एंटर करते हैं तो यहाँ टैली हमसे बैंक एलोकेशन डिटेल पूछता है। अभी आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, आप इस स्क्रीन को एंटर करते हुए स्किप कीजिएगा। देन आगे आपको आपने जो कैश डिपॉजिट करवाया है उसके बारे में डिटेल टैली पूछता है कि आपने 2000 रुपये के नोट कितने जमा करवाए हैं, 500 के नोट कितने जमा करवाए हैं। यदि आपके पास वो डिटेल उपलब्ध है तो आप यहाँ पर उसे फिल कर सकते हैं, अदरवाइज अभी आप इसे एंटर प्रेस करते हुए स्किप कर सकते हैं। नीचे आपको नरेशन का बॉक्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप इस ट्रांजैक्शन के बारे में डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं पर अभी उसकी आवश्यकता नहीं है। आप सिंपल अभी एंट्री करना सीखिएगा, वाउचर्स के बारे में सीखिएगा, उसके बाद हम इन सभी चीज़ों को और भी डिस्कस करेंगे। तो इस एंट्री को हम सबसे पहले सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा वाउचर है पेमेंट वाउचर। तो जैसा कि इसका नाम है पेमेंट वाउचर इज़ यूज टू अकाउंट ऑल द पेमेंट्स मेड बाय द कंपनी बाय वे ऑफ कैश और बैंक। जब भी हमारी कंपनी से पैसा जाता है चाहे वो नगद जाए चाहे चेक के द्वारा जाए, पेमेंट मेड बाय कैश और बाय चेक, तो इस कंडीशन में हमें पेमेंट वाउचर में एंट्री पोस्ट करनी होती है और इसका शॉर्टकट है F5। पेमेंट वाउचर में टैली डेबिट पहले पूछता है। मान लीजिए लाइट का बिल आपने डिपॉजिट करवाया, आपने रेंट पे किया है और जब भी हमारे बिजनेस से पैसा जाता है तो एंट्री हमें पेमेंट वाउचर में पोस्ट करनी है। जैसे रेंट पेड अकाउंट डेबिट टू कैश, तो रेंट पेड डेबिट होगा 5000, सीआर के आगे आपको कैश या बैंक, अगर आप चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर क्रेडिट में आपको बैंक अकाउंट का यूज करते हुए इस एंट्री को पोस्ट करना होगा। नेक्स्ट हमारा वाउचर है F6 रिसिट वाउचर। जैसा कि इस वाउचर का नाम है रिसिट वाउचर, ऑल सच ट्रांजेक्शंस वेयर मनी इज रिसीव्ड बाय वे ऑफ कैश और बैंक आर अकाउंटेड यूजिंग द रिसिट वाउचर। इट मीन्स जब भी हमारे बिजनेस में पैसा आता है, चाहे पैसा नगद आ रहा हो चाहे चेक से पैसा आ रहा हो, जब भी पैसा आएगा तो हमें उस ट्रांजेक्शन की एंट्री अपने रिसिट वाउचर में करनी है और इसका शॉर्टकट है F6। दोस्तों जनरली जब हम व्यापार प्रारंभ करते हैं तो कैपिटल को इंट्रोड्यूस करते हैं, व्यापार का मालिक व्यापार में पैसा लगाता है और जब भी पैसा आता है तो हमें अपने रिसिट वाउचर में उसकी एंट्री पोस्ट करनी है। मान लीजिए 5 लाख रुपये लगाकर हमने व्यापार प्रारंभ किया तो इस कंडीशन में हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। और रिसिट वाउचर में भी टैली क्रेडिट पहले पूछता है, इसलिए आपको यहाँ पर क्रेडिट साइड का जो लेजर है उसे सेलेक्ट पहले करना है, कैपिटल डेबिट साइड में कैश लेना है और इस एंट्री को सेव कर देना है। नेक्स्ट हमारा वाउचर आता है F7 जनरल वाउचर। जनरल वाउचर इन टैली इज एन इम्पोर्टेंट वाउचर विच इज़ यूज टू मेक ऑल काइंड ऑफ एडजस्टमेंट एंट्रीज। जी हाँ दोस्तों, जनरल वाउचर एक ऐसा वाउचर है जिसमें सभी प्रकार की एडजस्टमेंट एंट्रीज समायोजन प्रविष्टियाँ की जाती हैं, जैसे एनीथिंग अदर देन गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट मीन्स माल के अतिरिक्त कोई भी वस्तु उधार खरीदने पर, जैसे आपने फर्नीचर उधार खरीदा है तो वो एंट्री हमें जनरल वाउचर में पोस्ट करनी होगी। इसी तरह से ओनली गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, निजी प्रयोग हेतु केवल माल निकालने पर, यदि निजी प्रयोग हेतु हमने पैसा निकाला है अपने बिजनेस से तो वो एंट्री हम पेमेंट वाउचर में पोस्ट करेंगे। जनरल वाउचर में ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस, निजी प्रयोग हेतु केवल माल निकालने पर। इसी तरह से ओनली गुड्स गिवन एज चैरिटी, चैरिटी में केवल गुड्स देने पर एंट्री जनरल वाउचर में होगी। यदि चैरिटी में आपने पैसा दिया है तो उस कंडीशन में वो एंट्री हम पेमेंट वाउचर में करेंगे, और यदि आपने चैरिटी में पैसा और गुड्स दोनों दिया है तो भी एंट्री हमें पेमेंट वाउचर में पोस्ट करनी होती है। इसी तरह से गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज फ्री सैंपल, फ्री सैंपल के रूप में माल बांटने पर, लॉस बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड द क्लेम, डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स, ऑल एडजस्टमेंट्स सच एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड, अनअर्ड, एक्रूड, सभी एडजस्टमेंट एंट्रीज के लिए हमें जनरल वाउचर यूज़ करना होता है। आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि जो एंट्री और किसी वाउचर में पास आप नहीं कर पा रहे हैं तो वो एंट्रीज हमें जनरल वाउचर में पोस्ट करनी होती है। मान लीजिए हमारे सामने कोई ट्रांजेक्शन आता है जिसमें गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़ है, ऐसी कंडीशन में हमें ड्राइंग अकाउंट डी आर टू परचेज एंट्री पास करनी होती है और जनरल वाउचर में टैली पहले डेबिट पूछता है, इसलिए यहाँ पर हम ड्राइंग अकाउंट को यूज़ करेंगे डेबिट साइड में 1000, दैन क्रेडिट साइड में हमें यूज़ करना होता है परचेज लेजर। तो जनरल वाउचर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। मार्केट में प्रैक्टिस करते समय कई यूजर्स जनरल वाउचर में ही परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न की एंट्रीज भी करते हैं, वो आगे आने वाली क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे वो किस तरह से हमें करनी है। अभी आप सिंपल कॉन्सेप्ट समझिएगा कि किस तरह से किस वाउचर में हमें कौन सी एंट्री पोस्ट करनी है। नेक्स्ट हमारा वाउचर आता है सेल्स वाउचर, जिसका शॉर्टकट होता है F8। दोस्तों सेल्स वाउचर में हमें माल या सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज को बेचते समय एंट्री पास करनी होती है, इसका शॉर्टकट F8 होता है। और इस वाउचर में हम नगद अथवा उधार दोनों तरीके से यदि गुड्स या सर्विसेज बेचते हैं तो उसका ट्रांजेक्शन पोस्ट किया जाता है। लेकिन टैली में जब आप देखेंगे कि हमारा जो सेल्स वाउचर ओपन होता है उसमें हमें DRCR दिखाई नहीं देता। अब टैली ERP 9 में DRCR लाने के लिए हम कंट्रोल के साथ V प्रेस करते थे, लेकिन यहाँ पर टैली प्राइम में ऐसा नहीं है। यहाँ हमें सेल्स वाउचर में DRCR लाने के लिए साइड में जो बटन बार है उसमें आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा चेंज मोड, Ctrl H इसका शॉर्टकट है। और यहाँ आप देखेंगे आपको यहाँ पर 3 मोड दिखाई दे रहे हैं, आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस और एस वाउचर। अभी हम DRCR वाली प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसी मोड में हमें काम करना पहले सीखना है, इसलिए एस वाउचर आप जब क्लिक करेंगे तो एस वाउचर मोड में आपको DR और CR दिखाई देगा। मान लीजिए आपने रमेश को माल बेचा है, उधार माल बेचा है, तो रमेश अकाउंट डेबिट, जो भी आप अमाउंट डालना चाहें अमाउंट डाल लीजिएगा। और यहाँ पर कुछ और ऑप्शन भी अभी आएंगे, उन ऑप्शन को भी आपको स्किप करना है और सिंपल क्रेडिट में आपको सेल्स लेते हुए एंट्रीज को पास करना है। नेक्स्ट हमारा वाउचर आता है F9 परचेज वाउचर। व्हेन अ कंपनी बाय गुड्स ऑन क्रेडिट और कैश परचेज वाउचर इज़ यूज्ड। जब भी आप अपनी कंपनी में माल उधार या नकद खरीदते हैं तो उस कंडीशन में ऐसे ट्रांजेक्शन्स हमें परचेज वाउचर में पोस्ट करने होते हैं। और परचेज वाउचर में भी आप देख पा रहे होंगे कि आपको DRCR दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप चेंज मोड बटन पर क्लिक करेंगे या Ctrl+H से एस वाउचर मोड को इनेबल करेंगे। जैसे आप एस वाउचर में जाएंगे आपको CR और DR दिखाई देगा और यहाँ ऊपर आपको सप्लायर इन्वॉइस नंबर दिखाई दे रहा है। अभी आप उसे भी स्किप कीजिएगा, एंटर प्रेस करते हुए नीचे आ जाइएगा। अब टेली यहाँ पर क्रेडिट पहले पूछ रहा है, इसलिए हमारे ट्रांजैक्शन में जो लेजर क्रेडिट होगा उसे हमें पहले यहाँ पर इनपुट करना होगा। मान लीजिए आपने सुरेश से गुड्स परचेज़ किया है, तो ऐसी कंडीशन में एंट्री होगी परचेज अकाउंट DR टू सुरेश, और यहाँ पर हमें सुरेश को पहले सेलेक्ट करना है। देन अमाउंट इनपुट करते हुए एंटर प्रेस करते हुए नीचे की तरफ आइएगा। अब आपको DR दिखाई देगा, डेबिट साइड दिखाई देगी। डेबिट में हमें परचेज लेजर का यूज़ करना होता है। तो इस तरह से आप सिंपल वाउचर्स का यूज़ कर सकते हैं। यदि आपके पास बिजनेस में पैसा आता है तो रिसिप्ट वाउचर F6, पैसा जाता है तो पेमेंट वाउचर F5, बैंक से संबंधित है तो कॉन्ट्रा वाउचर, लेकिन यहाँ पर चेक वाली एंट्रीज नहीं होती हैं। माल बेचने पर F8 सेल्स, माल खरीदने पर F9 परचेज, और जो एंट्रीज इन बेसिक वाउचर्स में पोस्ट नहीं कर पाते हैं उन सभी एंट्रीज़ को हम जनरल वाउचर में करते हैं। अब दोस्तों इसके बाद दो स्पेशल वाउचर हम और यूज़ करेंगे। सबसे पहले डेबिट नोट वाउचर। डेबिट नोट इज़ अ डॉक्यूमेंट issued to a party stating that you are debiting their account in your books of account। डेबिट नोट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसे हिंदी में नाम की चिट्ठी कहा जाता है। बिजनेस में कई सिचुएशंस, कई कंडीशंस ऐसी होती हैं जब हमें अपनी पार्टी को डेबिट नोट इशू करना होता है। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, आगे चलकर हम डिटेल में इसके बारे में समझेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लीजिएगा कि जब भी आप परचेज रिटर्न की एंट्री करेंगे तो वो एंट्री आपको डेबिट नोट वाउचर का यूज़ करते हुए ही पोस्ट करनी है। शुरुआत में आप जनरल वाउचर में भी परचेज रिटर्न की एंट्री कर सकते हैं, लेकिन डेबिट नोट वाउचर इसी के लिए बनाया गया है। आप परचेज रिटर्न की एंट्री डेबिट नोट में आसानी से कर पाएंगे, और इसका जो शॉर्टकट है वो Alt+F5 है। अब टेली प्राइम में आप बटन बार पर देखेंगे तो यहाँ पर कहीं पर भी हमें डेबिट नोट वाउचर दिखाई नहीं देता। उसके लिए हमें यहाँ पर एक बटन दिया गया है अदर वाउचर्स F10। जैसे आप इसे प्रेस करेंगे तो अब आपको यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर्स की लिस्ट दिखाई दे रही है। इस लिस्ट में आप देख पा रहे होंगे डेबिट नोट का शॉर्टकट है Alt+F5। आप जैसे ही डेबिट नोट को एक्टिवेट करेंगे आपकी स्क्रीन पर डेबिट नोट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर भी हमें DR और CR दिखाई नहीं देता है, और उसके लिए हमें करना होता है चेंज मोड ऑप्शन का यूज़। चेंज मोड में एज वाउचर में आप जाइएगा और फिर से आपको DR और CR दिखाई देने लगेगा। मान लीजिए आप परचेज रिटर्न की एंट्री करना चाहते हैं, तो एंट्री किस तरह से होगी। सुरेश से अभी हमने गुड्स परचेज किया था और सुरेश को हम गुड्स लौटाना चाहते हैं, तो एंट्री हम करेंगे सुरेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। डेबिट हमारे स्क्रीन पर पहले आ रहा है इस वाउचर में, तो आपको यहाँ पर सुरेश पहले यूज़ करना है। मान लीजिए 500 का गुड्स हम उन्हें रिटर्न करना चाहते हैं, तो जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे आपको मेथड ऑफ बिल एडजस्टमेंट यहाँ दिखाई देंगे, लेकिन अभी के लिए आप इन्हें स्किप करते हुए आगे बढ़िएगा। और क्रेडिट साइड में हमें यूज़ करना होगा परचेज रिटर्न लेजर को। इस तरह से परचेज रिटर्न की एंट्री हम डेबिट नोट में पास कर सकते हैं। इसी तरह से अगला जो वाउचर है वो है क्रेडिट नोट वाउचर। इन केस यू हैव सोल्ड गुड्स एंड सम और ऑल ऑफ द गुड्स हैव बीन रिटर्न्ड बाय योर कस्टमर। जब आप किसी कस्टमर को गुड्स बेचते हैं, सेल आउट करते हैं, और आपका कस्टमर आपको वापस से माल लौटा देता है तो उसे सेल्स रिटर्न कहा जाता है, और सेल्स रिटर्न की एंट्री हमें क्रेडिट नोट वाउचर में पास करनी होती है। और क्रेडिट नोट वाउचर का टेली प्राइम में जो शॉर्टकट है वो है ऑल्टर के साथ F6। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट हमें डायरेक्टली बटन बार पर दिखाई नहीं देते हैं। उसके लिए हमें F10 प्रेस करना है, अदर वाउचर्स में जाना है, और यहाँ से क्रेडिट नोट का जो शॉर्टकट है Alt+F6, या तो आप शॉर्टकट का यूज़ कीजिए या फिर क्रेडिट नोट को डायरेक्टली क्लिक करते हुए आप एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पर भी जब आपको DRCR दिखाई ना दे तो उसके लिए Ctrl+H, चेंज मोड एज वाउचर, और आप DRCR यहाँ पर देख पाएंगे। अब क्रेडिट नोट में एंट्री हमें कौन सी पास करनी है, सेल्स रिटर्न की। अभी मैंने रमेश को गुड्स सेल आउट किया था, और मान लीजिए रमेश जो हमारे कस्टमर हैं उन्होंने हमें गुड्स फिर से लौटा दिया है, तो एंट्री होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रमेश। और यहाँ पर टेली हमें क्रेडिट पहले पूछ रहा है, इसलिए हमें रमेश को क्रेडिट करना है 500, और डेबिट हम करेंगे हमारे सेल्स रिटर्न अकाउंट को। इस तरह से हम सिंपल एंट्रीज अलग अलग वाउचर्स में पास कर सकते हैं। बस आपको प्रैक्टिस करनी है और ये समझना है कि किस एंट्री को किस वाउचर में हमें पास करना है। दोस्तों प्रैक्टिस करने के लिए मैंने पिछले वीडियोस में जो भी एंट्रीज आपको बताई हैं आप उन्हें कॉपी में नोट करें और उनकी वाउचर एंट्रीज को पोस्ट करें। यदि आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, यदि आप स्टेप बाय स्टेप टैली जीएसटी कोर्स के वीडियो ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो वो आप अब हमारी एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से भी देख पाएंगे। आप अपने गूगल प्ले स्टोर पर टैली जीएसटी कोर्स इस तरह से टाइप करेंगे, सर्च करेंगे तो आपको करियर प्लानेट की एंड्रॉयड ऐप दिखाई देगी। उसे आप अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप पूरे कोर्स को सीख सकते हैं।